लखनऊ एयरपोर्ट पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने के साथ पकड़े गए 5 तस्करों में से एक कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। कोविड रिपोर्ट में एक संक्रमित होने की खबर आने से न केवल कस्टम बल्कि CISF और इमिग्रेशन जांच करने वाले अधिकारियों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अब इस यात्री के संपर्क में आने वाले सभी अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों की कोविड जाँच कराए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के साथ सफर करने वाले यात्रियों की भी दोबारा जाँच होगी। तस्करों से कुल 3,422 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 1,61,00,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल ये यात्री दुबई से आई एयर इंडिया की उड़ान IX1194 और इंडिगो की 6I8457 से ये लोग आए थे। एयरपोर्ट की कस्टम की डिप्टी कमिश्नर निहारिका लाखा ने बताया, ये तस्कर दोनों ही उड़ानों से आए थे, पर आजमगढ़ निवासी संक्रमित यात्री राकेश यादव एयर इंडिया की उड़ान से आया था। उन्होंने बताया, तस्करी के मामले में राकेश यादव के अलावा प्रदीप कुमार राम, सद्दाम शेख, शौकत अली व धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम की डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन तस्करों ने सोने को गलाकर उसे बेलन का आकार दिया था। इसके बाद इसे रोलर स्केट्स के हत्थे और मीट कटिंग मिक्सचर मशीन के भीतर छुपाया गया था। एक तस्कर ने सोने का पाउडर बनाकर उसमें जेली मिलाई और पेस्ट की शक्ल में अपने अंडरगारमेंट की बेल्ट के रूप में छुपाया हुआ था। लखनऊ से सुधीर मिश्रा की रिपोर्ट।